हेलो गाइस, मैं किशन कुमार था, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और अभी मैं एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ब्लॉग बनाने का स्किल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है आप देख सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ वैष्णो देवी टेम्पल, आज है फ्राइडे, शाम को अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है। अभी रास्ते में बातें करते हैं ज़्यादा, ठीक है। बहुत अभी कुछ पंगा हो गया है यहाँ पे, वो सब बताएंगे वीडियो में बाद में। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। बाय, मतलब हाय। बोलो अबे, पीछे देखो क्या बोले। बोलो ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहने वाली है। बहुत से बोले ये अंडरग्राउंड है क्या? मुझे लगा ऊपर घुस गया पूरा गेट था। हम आपको फोटो लेने जाते हैं, आने का प्लान भी नहीं था बिल्कुल। और अभी हम जा रहे हैं कहां पे? वैष्णो देवी। ये दिव्यांश भाई लोग आ जाओ क्या? अरे लेने दो ना दिव्यांश को अकेले। अभी हम लोग यहाँ पे हैं एरो सिटी के मेट्रो स्टेशन पे आए हैं। मेट्रो स्टेशन से हम लोग जाएंगे कहाँ पे? न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। वहाँ से जाएंगे कहाँ पे? कौन सा वाला है? कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम लोग का बस है। चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दो सबको, तो चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो। मतलब क्या मतलब? कोई सुन के स्कीम बता दो, कोई कुछ नहीं करेगा यार यहाँ पे। हम लोग अभी आके बैठ गए अपने बस में अपनी। हेलो हेलो गाइस, मुझे थोड़ा दिखाओ ना। मत दिखाओ बे इसको। हाय, ये शिवा है, ये अवनीश, ये देवांश पांडे है। और वहाँ भाई लोग तो सीट तो इतना अच्छा नहीं मिला, मुझे लग रहा था अच्छा बड़ा वाला मिलेगा, लेकिन ये काफी कम स्पेस है यहाँ पे। हम पास है, अभी हम लोग आए हैं एक जगह पे, बस रुका है खाने के लिए, खाएंगे। भूख तो काफ़ी लग रहा है, ठीक है। ये ढाबा है, ढाबा मतलब दिखने में तो सही था, मुझे सही लग रहा है। अंदर रेस्टोरेंट भी है, अच्छे ढाबे देखे नहीं। हाँ, ट्रैवल भी नहीं करता ना ऐसा। एक चार रोटी, तो अभी हम लोग टाइम में जाए 10 बजे रात को। हम लोग का क्या सीन था ना, हम लोग का बस था, हम लोग गए थे 5:45 पहले बस को, ठीक है। वहाँ पे कांड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रूम को जल्दी आ गए थे क्लास बंक करके। थोड़ा हम वो वाले बस पकड़ नहीं पाए, तो उसको टिकट को कैंसिल हुई, और फिर से 8 बजे का बस का हम लोग टिकट लिए। अभी आके हम लोग यहाँ पे है, और कल जाके सुबह 10 बजे पहुँचेंगे कटरा पे। अभी तो खाना मंगा रहे हैं, कुछ खाए नहीं, भूख लग रहा है बहुत। और दीवांश खाना का भी ऑर्डर आ रहा है, बटर रोटी मत खाना भाई, बस बटर रोटी खाएंगे हम। ना आ गया, हम खा रहे हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। रोटी, दाल मखनी और क्या है, सब्जी मिक्स वेज है, दाल तड़का है। हाँ, दाल तड़का मिक्स वेज। और अभी हम लोगों ने खाना खा चुका है, खाना भी सही था, ठीक ठाक था। वो सलाद एक्स्ट्रा दो दिए थे, जिसको हमने ऑर्डर नहीं किया था, तो पैसा काटा उसका। नहीं नहीं, बाद में हम लोगों लड़के कट काम कर रहे हैं। और ये रहा हम लोग का बस, क्या नाम है? आर एस यादव ट्रैवल्स। और अभी कितना 10:30 बजे हैं, और कल 10 बजे जाके पहुँचेंगे हम, तो 12 घंटा भी बस में ही स्पेंड करना है पूरा। ओके, मिलते हैं फिर कल सुबह। हाँ, उसमें हो जाता है अगर पिछली बार मैंने दिए, पिछले साल मैंने। हेलो गाइस, और अभी हम लोग सुबह हो गए, हम जामू में हैं अभी। अभी टाइम बजा है 9:08, और शायद 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे कातरा। अभी 20 किलोमीटर दूर है, और यह रहा जामू का व्यूज़। अभी चेक पोस्ट ही मतलब एक क्रॉस कर रहे हैं, बाकी वहां पे पहुंचने के बाद वीडियो बनाता हूं मैं। क्या हुआ शिवा गुप्ता? शिवा गुप्ता बोलो कुछ।
बस चला के आ रहे हैं और क्या बोले। अबे चढ़े कैसे बे बस गए। उस साइड पे उनका अच्छा व्यू आ रहा होगा, इस साइड पे नहीं। और अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे कटरा पे। यहाँ पे लेट नहीं होता है, कटरा 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 सबसे ही है भाई। ठीक है, ऐसा मत बोलो, बाकी बात है कि हम लोग के पास अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और हमको पता नहीं है होटल कहाँ पे। हम लोग जो होटल बुक किया थे तो अभी ऐसे ही हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे पूछ पूछ के, 10 साल पहले जैसा होता था। बाकी आज मौसम काफी सही है, पता है, हवा चल रहा है, ज्यादा धूप भी नहीं हो रहा। दिल्ली से तो भाई मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो भाई दिल्ली में तुम 7-8 बजे रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना धूप होता है और गर्मी रहता है, लेकिन यहाँ पे मस्त लगता है। हम लोग 15 मिनट से चल रहे हैं, होटल नहीं मिला अब तक। फाइनली हम लोग होटल में आ गए, जीएल पहले से ही है। और अभी के हम रूम में पहुंच गए, तो अभी हम लोग 2 रूम ही बुक किए, एक रूम रेडी हुआ है, तो आप लोग 4 लोग ये रूम में आ गए। बाकी सामने वाला रूम यहाँ है, ये वाला रूम अभी रेडी हो रहा है, तो इसमें 2 जन चले जाएंगे, बाकी रूम सही मिलेगा। अभी हम लोग सब फिर और 12 अभी बजाए 12:15 हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। सब चलते हैं, आ गया और रेडी हो, भूख लग रहा है भाई? शिवा तुमको भाई, तुमको तो खाना नहीं मिलेगा भाई, तुम देखो बस कल। किसको उठाना है, किसको उठाना है, हाँ भाई हो गया, किसको उठाना है? किशन कुमार रहा, आओ चलो आते हैं। बम धुआं धुआं करने लगा। कितना दूर चलना है भाई? बस 600 मीटर भाई। यार धूप में इतना चला रहे हो, तो पिघल जाओगे तुम। हाँ भाई यार देखो, अभी हम लोग आए थे पर्ची लेने के लिए। जय माता दी। हम लोग को जल्दी मिल गया ये, बाकी जो शिवा और देवांश की वजह से लेट हो गया, पता नहीं क्या। वाइज और अभी वाला लुक आ रहा है। अभी अभी बजाए 4:45 और अभी हम निकल रहे हैं अपने ट्रेकिंग के लिए। ऋतिक रोता तो वो बोलता ना, जय श्री राम जय श्री राम। और कैसा लग रहा है? यहाँ पे कितना होटल है यार। क्या कर रहे हो ऐसा फिर? अभी फिस्किंग खत्म हुआ और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे चलना। और फिस्किंग में वहाँ पे बहुत टाइम चला गया, इतना भीड़ था वहाँ पे, सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट था और वहाँ पे पूरा मतलब 1 घंटा वहाँ पे खड़े रहे पूरा। लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है, अमीर भाई का थोड़ा लेट हो गया। पता नहीं दिव्यांश यहाँ पे सीढ़ी वाले रास्ते पे ले आया, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं यहाँ पे और बहुत सीढ़ी चढ़ना है। क्या सिवा
शिवा मजा आ रहा है और क्या मजा आ रहा है अवनीश अच्छा लग रहा है तुमको ताकि यहाँ पे भी सही है व्यूज वहाँ पे ऊपर भी मंदिर बन रहा है यार लेकिन इतना गंदा है ना हमें पूरा मतलब प्लास्टिक हर जगह गिरा हुआ है खा खाते हैं अभी थोड़ा सीढ़ी खत्म हुआ है हम थोड़ा अभी चल रहे हैं सीढ़ी नहीं पकड़ रहे लेकिन मैं तो काफ़ी आगे निकल आया हूँ ये अपने दीवान भी ठीक ठाक चल रहा है लेकिन सुबह थोड़ा पीछे रह रहा है दिव्यांश आ गया बाकी सुबह आ रहा है अभी जो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है अभी मैं वही बोल रहा था वीडियो में तुम्हारे बारे में इलेक्ट्रो लेने का दो पैकेज है क्या यहाँ पे ले लो है दो अपने पास है ना है ना दो होटल है हाँ दो है चलो उतरते टाइम देखेंगे तो बस भाई अभी चल रहा है सफर चलो और अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी 307 सीढ़ी बाजार में बीमार है पहले हम लोग 420 चढ़े उसके बाद 60 सीढ़ी चढ़े और ये 360 वाला सीढ़ी और जो वीडियो बना रहे हैं वो शिवा है शिवा जो जिनके वजह से हम पीछे है अब तो हम भवन के होते हैं हवाई जहाज में ना सफर कर लो तुम सीधे ले बे तुम वहाँ वीडियो नहीं आता तुम पी लो तुम आता फिर यहाँ पे अभी हम लोग क्या खीरा खाए हैं क्या बोलते हैं खीरा बोलते हैं ना तो उड़िया में उसको काकड़ी बोलते हैं तो चलो चलो अमनीश आ जाओ चलो यू कैन डू इट हम लोग लगभग कितना 10-15% अभी तक कंप्लीट किए हैं लेकिन भाई साहब का हालत खराब हो गया मेरा कुछ हालत खराब हो गया भाई बोल दो सच्ची बता दो और यहाँ पे दिव्यांश और अपनी फोटो खींच रहे हैं लेकिन यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ हमको हेल्प करे वो है हवा ठीक है काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे और गर्मी भी नहीं लग रहा ठंड लग रहा है आराम से क्या कहाँ देख रहे हो किसको देख रहे हो क्यों इधर उधर देखते रहते हो हमेशा यहाँ पे हैं शिवा देवांश और अवनीश खड़े हैं पीछे से मैं थोड़ा आगे आ गया मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से चलता हूँ इसलिए ये पीछे हैं अभी वेट कर रहा हूँ उनका मैं अभी शाम के 7:17 बज चुके हैं ठीक है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है हम लोग करीब 1:30 हो गए चलते हुए मतलब फिशिंग पॉइंट से और शायद और 3 घंटा शायद और ज़्यादा चलने लगेगा मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं बस पानी मिलता रहे तो मैं चल लूँगा मतलब देवांश भी काफ़ी अच्छा चल रहा है ठीक है चले मिलकर ही चलते हैं हम लोग 10-11 बजे तक तो पहुँचे 11-12 बजे तक क्या सिवा हवा मस्त चल रहा है चलो चलो मस्त चलो और कुछ बोलना है जय माता दी चलो अभी हम लोग थोड़ा पानी भरने के लिए रुके हैं यहाँ पे अपनी वहाँ पे पानी भर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं जब यहाँ अगला सीढ़ी आएगा तो सीढ़ी भाई चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो चलने वाले रास्ता है ना वहाँ पे घोड़ा का पट्टी काफ़ी बदलू कर रहा है ठीक है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों से टकरार हो रहा है सीढ़ी वाला घोड़ा चल रहा है ना तो हाँ ठीक है अभी कितना बहुत ज़्यादा घोड़े आते हैं यहाँ तो सीढ़ी से ही चलेंगे वो सही रहता है थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा फिजिकली थोड़ा ज़्यादा चाहिए
लेकिन वो स्पेस थोड़ा मिलता है आराम से जा सकते हैं। हवा मस्त है वही, मतलब काफी अच्छा फील करा रहे हैं। ठीक है, सपोर्टिंग हैंड मिल रहा है आप लोगों को, सपोर्टिंग हैंड। हाँ हेलो गाइस, और अभी बजा है 7:50 और अभी थोड़ा मेरा हालत ख़राब होने को लग रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ थक रहा हूँ मैं, और भी बहुत जाना है आगे मुझे, और ये लोग आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं चलने के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बे, बैठो मत, चलो बे, मैं तो आके यहाँ पे बैठा हूँ। किसान आलसी, जय माता दी। अरे यार, मुझे ही आलसी बोलने लगे सब। जय माता दी। ठीक है, मिलते हैं और एक घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद। यहाँ पे ये व्यू काफी मस्त है, एक नंबर लग रहा है, मजा आ रहा है पूरा बहुत। ये क्या है, क्या है कुमारी मंदिर के पास? अभी हम पहुँच गए, ठीक है, और हम लोग का टिकट है कल का 328 नंबर का, जो कि चांसेस है 56 घंटे का वेटिंग टाइम है, जो कि हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से सुबह तक ही निकालना है, हमको रूम में पहुँचना है वहाँ पे 8 बजे, क्योंकि हम लोग का बस है कल 3 बजे, तो हम लोग को जल्दी निकलना है यहाँ से। तो बस भाई, तो मंदिर तो नहीं देख सकते लेकिन यहीं से देख के जा रहे हैं बस। यहाँ पे दिव्यांश और सूर्या, दिव्यांश और शिवा, जय माता दी। अभी और भी चलना है, जूतों से परेशान होकर नंगे पांव ही माता के दरबार में जाते हुए, किशन भाई पीछे सुन के डंडा। चलो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ से निकले अभी हम लोग? निकले हैं राजकुमारी से निकले अभी, वहाँ से तो बाहर नहीं हो पाए, थोड़ा खा लिए खाना बर्गर, वहाँ पे मैकडोनाल्ड का शॉप है, ठीक है, वहाँ से बर्गर खा लिया, आलू टिक्की वाला बर्गर 50 रुपये था, 1 बर्गर सही था, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ, अभी नॉनस्टॉप भवन जाएंगे, लेकिन भाई भीड़ बहुत ज्यादा है। जय माता दी, जय माता दी। हेलो हेलो, अब चढ़ेगा भाई। अभी हम लोग कितना बजाए, अभी 9:40 बजाए, हम चल के जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं बजा सकते। देवान से अपना जोता को ऐसा निकाल दिया है, दिखाओ भाई कहाँ पे। अरे यार, अभी बाकी सब वैसा कर रहे हैं, शिवा भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन अपन नहीं ऐसा, तुम वैसा करोगे? नहीं, वैसा नहीं करता ना। सही है, हम लोग चले, अच्छा लग रहा है यार भाई, वही तो कितना अच्छा फील होगा ना सुबह से जूते। ये वाला हेलो गाइस, अभी बजा है 10:40 और 2 किलोमीटर बाकी, हाँ और 2 किलोमीटर बाकी ऑलमोस्ट, और उसके साथ साथ अभी थोड़ा ठंडा भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठंडा लग रहा है पूरा, चिल जैसा, जो सर्दियों में ऐसा ठंडा होता है वैसा पूरा लग रहा है अभी। शायद अभी आधा घंटा लगेगा पहुँचने के लिए, 2 किलोमीटर कवर करने के लिए आधा घंटा या फिर 40-50 मिनट तो लग ही सकता है। शायद पीछे से गाड़ी आ रही है, मुझे हटना होगा। और हेलो गाइस, अभी बजा है कितना, 11:25 और हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं। ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे वो जो लाइटेड एरिया है, हाँ दिख रहा है ना, हाँ वही मंदिर है। अभी मज़ा आया, अभी तो पहुँच नहीं, अभी वो 500-600 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो मैं आपको दूंगा ये वाला जो है ना, इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो वहाँ यहाँ पे फिशिंग होता है ना, वो एरिया, उस एरिया पे खरीदेंगे आपको 10 रुपये मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा पहले खरीद ले तो 20 रुपये लिया हम लोगों से, लेकिन सही है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। ठीक है, चलते हैं अभी मंदिर पहुँच के वहाँ से बात। ए, फोटो ले लियो इसकी, पहुँच गए वहाँ पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिर है। अभी कितना बजा है, 12:35 को और अभी कैसा रास्ता है, मंदिर लाकर में से निकाल दें और लाकर को खाली कर दें। अभी 11:35 है, 11:35 यात्रियों ने माँ भगवती जी के दर्शन कर लिए है, वह यात्रियों ने अपना सारा सामान लाकर में से निकाल दें।
गाइस, और अभी आके मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, मंदिर को पास तो आ ही गए पूरा, लेकिन अभी मेरे जो दोस्त तीनों दोस्त हैं वो गए हैं नहाने के लिए। ठीक है, घाट को मैं नहीं नहाने वाला, मैं पहले से प्लान करके आया था, मुझे नहीं नहाना है। इतना अभी कितना 12 बज गया है, ठीक है, कौन नहाएगा। लेकिन वो लोग गए हैं नहाने के लिए, वो आएंगे। मैं अभी उनको सामान को देख रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और बाकी रोड के रोड भी साइड में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कटोरा रखूँगा ना तो मेरा 100-200 इनकम भी हो जाता है, सोच रहा हूँ। अभी दर्शन करके सोच रहा हूँ 3-4 बजे सुबह निकल जाऊँगा तो वो सही रहेगा। कल 2 बजे का ट्रेन मतलब बस भी है, देखते हैं क्या होता है आगे, आगे वीडियो में बताता हूँ। और अभी ये लॉकर रूम है, हम लोगों ने अपना सामान सब यहाँ पे रखा था। उस टाइम मैंने वीडियो बनाना भूल गया था, लेकिन अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे लॉकर रूम में थे, अपना कपड़ा रखे थे, फिर कपड़ा बोला, सब सामान जो था, इलेक्ट्रिकल मोबाइल, घड़ी और बेल्ट वगैरह सब यहाँ पे था, और जो बैग भी इन लोगों के पास था वो भी रखे थे। लेकिन हम लोग अभी दर्शन करके लौट आए हैं। और दर्शन कैसा रहा भाई? मजा आ गया, बहुत मजा। नहीं यार, सच्ची बताओ ना, काफी सही था यार। हम लोग जब गए, आप अभी देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है यहाँ पे, लेकिन जब हम आए थे ना लॉकर रूम में सामान रखने के लिए, तब काफी छोटा लाइन था। ठीक है, भीड़ बिल्कुल ज्यादा था ही नहीं, और उसके साथ साथ अभी जब हम दर्शन भी किया ना, काफी सही था वहाँ पे माहौल, मतलब इतना ज्यादा भीड़ नहीं था वहाँ पे, देख के भी आ गए। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? अभी बजा है रात को 2:19। ठीक है, हम लोग को यहाँ से 5:30 बजे से निकलने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, और अभी बजा है रात के 3, और हम भैरव बाबा के मंदिर के लिए चल रहे हैं। सीढ़ी से ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, और थोड़ा दूर है, लेकिन तब से सीढ़ी में ही चल रहे हैं। यहाँ पे रात को 3 बजे है, पसीना आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है सब कुछ, लेकिन आज बहुत हो गया यार। मतलब पूरा मान के चलिए 4:30 से दोपहर को 4:30 से हम लोग पूरा नॉन स्टॉप चले ही रहे हैं। ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर चल ही रहे हैं। क्या अवनीश? सही बात, आ गया भैया। ये क्या है बाबा? मेरे मेरे मजा आ रहा है, लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ज़्यादा इतना थका नहीं हूँ। बीच में मैंने एक कप कॉफ़ी पी लिया, हालांकि मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ कॉफ़ी, बिल्कुल ही नहीं पीता, नाच पी लिया थोड़ा, तो वो अभी तक जगा के रखा ही नहीं आया बिल्कुल मुझे। और अभी थोड़ा बैठे हैं, पानी नहीं है, पानी भी नहीं है ना, पानी खत्म हो गया हम लोग का। और 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, बाकी वही सामने ही है यहाँ पे, थोड़ा बैठे हैं, लेकिन बहुत हो गया चलना आज। बाकी वो बोला ना, वो शाम को जो दो रात को जो कॉफ़ी पिया ना, उसके लिए मैं अभी तक मतलब चार्ज ढूंढ पूरा, वरना वो कॉफ़ी पिए थे जो रात को, तुम लोगों ने शाम को पिया था, मैंने नहीं पिया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने रात को पिया था, तो सही था काफ़ी, वो जगा के रखा है अभी तक। और बाकी मंदिर का दर्शन जो वैष्णो देवी में हम लोगों ने जो किया ना, वो काफ़ी सही था यार। मतलब हम जहाँ जहाँ पे गए ना, हम जब लौटते हैं रिटर्न आते हैं, तभी भीड़ बढ़ जाता है, पता है, सुबह दोपहर को काउंटर में भी वहाँ हुआ, हम जस्ट ये वाला चीज़ लेके आए, उसके बाद लंबा लाइन लगा पूरा। और उसके बाद मंदिर जो कहाँ पे गए थे, लॉकर रूम पे, वहाँ पे भी जब सब सामान रख के आए, लंबा लाइन बन गया। और मंदिर से जब लौट रहे थे ना, पूरा आराम से, पूरा खाली जगह था, आराम से जगह, वो जगह पूरा बस 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के लिए वो वहाँ पे वैष्णो देवी के जब मेन टेम्पल जो रहता है उसके अंदर गए, 1 सेकंड में बस निकल दिए। बहुत भीड़ भी रहता है ना, वो उनको ज़्यादा टाइम रख भी नहीं सकते। और क्या हुआ शिवा, कुछ बोलो। हेलो गाइस, शिवा का हालत ख़राब हो गया, लेकिन शिवा और अवनीश का ये दोनों मतलब थोड़ा मतलब क्या, हाँ
हालत खराब है थोड़ा। ऐसा नहीं कि हम लोग का भी है, लेकिन दिव्यांश तो भाई चल जाता है पर आराम से, मैं भी ये थोड़ा कोविशील्ड वाले लोग हैं भाई, ये कोवैक्सीन वाले हैं। तुम कोवैक्सीन हो भाई? आप कहां है? मेरा मेरा कोवैक्सीन है भाई। तुम भी कोवैक्सीन? तीनों कोवैक्सीन है। तुम क्या हो? पैसा को बचाओ, कोवैक्सीन। तुम्हारा क्या है? शील्ड है, कोविशील्ड है। अबे हमको पैसा दे रही थी, हम लगवा लिए। सच्ची में? हां, हमको ऑप्शन दिया था कोविशील्ड या तो कोवैक्सीन। तुम्हारा क्या है दिव्यांत? कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन। तो एक ही कोविशील्ड का है, उठा लेंगे बे इसको, उठा के लेके भागेंगे, कुछ होगा तो टेंशन नहीं। अबे काहे कुछ होगा, ठीक है जब मंदिर पहुंचेंगे उसके बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा। अब एक बार में अच्छी सीढ़ी कर लेंगे। हाँ, थोड़ा पॉइंट लो दूंगा। ये वाला चीज जो आप देख रहे हैं ना, वो शायद दिख रहा होगा थोड़ा सा, कहाँ पे अंधेरा है। ये वाला है रोप वे, आ रहे हैं आ रहे हैं। ये रोप वे से शिवा भाई अपना बैग मुझे पकड़ा रहे हैं। दो बैग दो, थोड़ा कैमरे में दिख जाए कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। किसी काम के तो ये दिख जाएगा। अबे यार अरे वीडियो बन रहा है। तो हम लोग ने अभी भैरव बाबा का टेम्पल जो है वो दर्शन किए और आके यहाँ पे भी बैठे हैं। क्या है सनराइज पॉइंट? ये और ये कंबल निकाल रहा है, ठंडा इतना नहीं है, सही हल्का ठंड लग रहा है, हल्का ठंडा जो आ रहा है वो भी सही लग रहा है। वहाँ बैठेंगे मिश्रा, उधर चले कंबल ओढ़ना है, ओढ़ना हो तो आ जाए, तो दो तीन लोग हो जाए, इको तो वैसे नहीं ओढ़ना है। और क्या बोलना है मुझे, बाकी भाई सही था यार। बहुत साढ़े साढ़े चार से हम लोगों ने स्टार्ट किया, साहब एकदम राइट टाइम हुआ, टाइम हुआ है 3:32, ठीक है। तो हम लोगों ने साढ़े चार से लेके साढ़े तीन तक आप मान के चलिए 11 घंटा अपना नॉन स्टॉप चला है पूरा। हाँ बीच में हम ब्रेक लिए तो उसको हम ऐड कर सकते हैं कितना 1 घंटे का शायद, लेकिन 9 से 10 घंटे हम लोग पूरा कॉन्स्टेंटली चले हैं पूरा। अभी जाके थोड़ा बैठे हैं आराम से, बीच बीच में सीढ़ी चढ़ते वक्त हम लोग सीढ़ी में बैठ सके रहते हैं, लेकिन बाकी सही है आज का, मज़ा आया। क्या अवनीश तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हमारा बहुत ही नहीं आया तो चल रहा है, मज़ा आ गया। लेकिन कोई हालत नहीं खराब हुआ है, क्यों झूठ बोल रहे हो? फटल दिखाओ। कुछ नहीं हुआ। हालत खराब हुआ तो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं बैठ के, स्माइल के पीछे का दर्द, दर्द के पीछे मजा, ये सोचो। बाकी ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है हो गया, यहाँ पे अपने चला गया और ये भीड़ के साथ देख सकते हैं यहाँ पे। अबे ये सीट तो पूरी खाली है ना, वहीं चलने के सब लोग, और क्या वहीं चलो। हाँ वहीं चल। और यहाँ पे ये दोनों उठ के बैठे हैं, हम लोग वहाँ पे उस टाइम वहाँ पे बैठे थे, स्टील बॉडी और ये भीड़ आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से सनराइज होगा शायद, ये डिपेंड्स हो ही बोल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सनसेट का और प्लान नहीं है अभी, कितना है 3:55 बज चुका है, काफ़ी ठंड हो रहा है। और इसको देखो मंगल सिंह, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सनसेट फिर करें। चलो मेरा तो मन है, लेकिन फिर भी तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा भाई, फर्जी में इतना ठंडे लग रहा है। वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, इससे ज़्यादा कूलिंग हो रही है, रास्ते में कुछ खाना बना खाएंगे तो उस टाइम पे। हम लोग का नीचे उतरना स्टार्ट हुआ है, हम लोग पूरा ऊपर है और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अभी 3:30 से स्टार्ट हो गया, ठंड पूरा अलग ही अलग ही लेवल का, ऐसे ही चलते हैं। अभी सिबा के पास तो है कंबल, किसी को नहीं दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा कुछ, काफ़ी इजीली जा रहे हैं। आगे ये शिवा जा रहा है लाइट लगा के, ये पूरा डाउनवर्ड स्लोप है ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा, आराम से नीचे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी काफ़ी भूख लग रहा है। रात में हमको सीढ़ी मिल गया और काफ़ी मस्त यहाँ पे है यार, ये व्यू काफ़ी सही है, जाने के टाइम कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ी भी काफ़ी मस्त है और ज़्यादा इतना कुछ फोर्स भी नहीं देना पड़ रहा, आराम से निकल रहे हैं। बस फ्लास ऑन हो सकता है क्या? हाँ फ्लास ऑन।
आ गया भाई। साथ मिल रहा था ठीक है, हम लोग उसको खा रहे हैं अभी, बहुत भूख लग रहा था। ये प्रसाद काफ़ी टेस्टी है। और अभी हम लोग फिर से चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये भी आ गया ऑलमोस्ट अर्थकुमारी, हाँ अर्थकुमारी तक। और सनराइज़ भी ऑलमोस्ट हो चुका है और व्यूज़ यहाँ पे काफ़ी मस्त है ठीक है, लेकिन पैर के हालत ख़राब है पूरा। हाँ अब तो मतलब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा मैं, मेरा एनर्जी लेवल भी काफ़ी कम हो गया है। बाकी यहाँ पे व्यू काफ़ी मस्त है, दिखा लेता हूँ। हेलो गाइस, और मैं अभी अर्थकुमारी पे मैं पहुँच गया हूँ ठीक है। मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा था और मेरे जो दोस्त लोग तीन हैं वो काफ़ी पीछे हैं ठीक है। मेरा क्या है ना, मैं चलता रहता हूँ तो मैं चलता रहता हूँ ठीक है। तो मैं चल के आ गया अभी अर्धकुमारी में पहुँच गया, तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे इधर से आएंगे। बाकी ये बात है कि जब ऊपर से नीचे वाला इतना पता नहीं चलता ठीक है, नीचे से ऊपर वो काफ़ी दिक्कत रहती है, लेकिन ऊपर से नीचे वाले दौड़ दौड़ के आप आ जाएंगे ना, बहुत ईजी रहता है काफ़ी। अर्धकुमारी का टेम्पल जो कि हम लोग आए थे रात में से गए थे, इजी रहे कर रहे हैं काफी खत्म रहेगा। तो वीडियो बनाऊंगा मैं, छीन तुमसे मांग तो दे ही देगा, बाकी भी नहीं देंगे अपनी हम पहले ना वो मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया और मैं अभी अवनीश के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। एक ही तरीका अवनीश, तुम्हारे फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ठीक है, भेज देना मुझे बाद में। तुम्हारे फ़ोन से वीडियो बन रहा है, मुझे भेज देना सब। चलो चलो चलते हैं, हो गया बहुत बैठना हो गया। अभी कितना बजा है? 6:15 बजा है सिर्फ। अभी हम लोग मसाज कर रहे हैं, मैगी भी खाएंगे यहाँ पे। पैर बहुत दुख रहा है यार मेरा। भाई कैसा लगा मसाज चेयर, कैसा लगा? मतलब इतना खास नहीं था, मैं पहली बार बैठा लेकिन मतलब पैर दुखा मेरा। तुम्हारा और ये भाई साहब अभी सो गए हैं। आंडे देखो भाई चलना है। हम लोग का मैगी अभी खाएंगे, 10 रुपये का पैकेट को 40 रुपये में बेच रहे करके उसको खाएंगे अभी, उसके बाद जाएंगे हम। तुमको फ़ोन नहीं मिलेगा आज, तुम्हारा नहीं मिलेगा। और भाई लोग सब मैगी खा रहे हैं, कैसा है मैगी? हेलो गाइस, और हम लोगों का खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया जर्नी तुम्हारा भाई, खत्म हो गया। बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई अच्छा एक्सपीरियंस तो भाई था। सही में था, मतलब ठीक है यार। एक सेकंड का थोड़ी देखा। हाँ हाँ देख 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 डॉक्सी भाई, कल 4:30 को निकले थे हम लोग, अभी बजा है 8:17, तो आप मान के चलिए 16 घंटा हम लोग बस ऐसे ही किए हैं, चले हैं। आप बीच में 3-4 घंटा का आप रेस्ट मार सकते हैं ठीक है, बाकी बंदा इतना ही क्या है। बाकी देखो यहाँ पे घोड़ा जा रहे थे, हम लोग जा रहे हैं, अभी धूप हो रहा है भाई काफी। हम लोगों ने सही टाइम पे गया था, हम लोगों ने सही टाइम पे गए और सही टाइम पे वापस जा रहे हैं। हाँ क्या करना है, और अभी हमारा जर्नी खत्म, मतलब खत्म था। अभी हम गेट पे आ चुके हैं, यहाँ से अभी एग्जिट करेंगे, उसके बाद जाएंगे रूम पे, खाना बना कुछ करना है करेंगे। बाकी जोर से बोलो जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, और आज है संडे, हम लोग कितना 10:30 बजे के रूम में, होटल रूम में पहुंचे और
सो के थोड़ा फ्रेश होके 11:15 को हम लोग रूम छोड़ दिए और आके यहाँ पे खाना। और अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं न्यू दिल्ली को, अभी यहाँ पे ढाबे में आ रहे हैं खाने के लिए। और अभी टाइम कितना बजा है, 9:44 बजा है, हम लोग पहुँच जाएंगे कल सुबह 5:30 बजे तक लग रहा है पहुँच जाएंगे, उसके बाद ट्रिप खत्म होगा। बस वही था, और वीडियो नहीं बनाऊँ, कल सुबह एक तो बनाऊँगा। अच्छा लगा सफ़र तुमको इतना? बहुत थक चुके हैं भाई। हाँ बहुत सही, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, इतना थक चुका, मैं सोया नहीं हूँ कल से, मतलब सुबह से सोया नहीं हूँ मैं, अभी नींद भी नहीं आ रहा हूँ। देखते हैं कल जाके आप सोचता हूँ, तो बोल भी दिया कि क्लास मिस नहीं करना है, पर मैंडेटरी है 5 दिन का, छोड़ नहीं सकते, ठीक लगने वाले अच्छे तरीके से। हेलो गाइस, और वो था वीडियो, ठीक है, मैंने उसको अभी एडिट कर रहा था, तो वीडियो हो गया 35 मिनट का। अब ये मैं बना रहा हूँ, ये शायद एक दो मिनट और हो जाएगा, तो शायद कितना वीडियो होगा, 36-37 मिनट या फिर 38 मिनट का हो जाएगा, तो कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप आपने उसको देखा है, लास्ट तक भी देखा है, तो थैंक यू, आप बोल सकते हैं, ज़ोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में मोस्टली अपने लिए, हमारे लिए बनाया था, इस बार तो मैं अपने लिए नहीं बोल सकता, मेरे साथ और भी तीन मेरे दोस्त थे, तो बाद में 3-4 साल के बाद, 10-12 साल के बाद जब वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है, कि हाँ हम लोग ऐसे एक ट्रिप में गए थे करके। बस वही था, मुझे वो जगह घूम कर के मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मतलब ट्रिप इतना अच्छा होगा, ठीक है, पूरा स्मूथली गए, स्मूथली आए, कोई दिक्कत नहीं रहा कुछ, मतलब काफ़ी हेक्टिक जर्नी था। आज सुबह के हम 5:30 को पहुँचे रूम में आके, हॉस्टल में आके पहुँचते 4:30-7:30 हो गया, उसके बाद हम लोग का 9:30 को क्लास था, मैं सुबह के क्लास में आज दो बार, मतलब मुझे मैम ने भी टोका है कि अरे भाई सोए हो क्लास में, मुँह धो गया हो, ऐसा था मेरा सीन, लेकिन अब सब सही है। अभी रात को कितना 10 बजा है, मैं सोऊँगा जाके, कल सुबह 7-8 बजे उठूँगा, बस उसके बाद सब रेडी। कल तो वैसे भी इलेक्शन का रिजल्ट भी निकलने वाला है, बस जो भी हो, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो जोर से बोलो जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।